हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये व्लॉग होने वाला है तीन सिटीज़ का, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली। एंड खैर, मेरी डेस्टिनेशन तो दिल्ली ही थी, पुणे और बॉम्बे तो दिल्ली तक पहुंचने की वजह थी बस। तो इस समय हैं हम रानी कमलापति स्टेशन पर। तो अभी आप जिसको देख रहे हो, ये है मेरी ज़िंदगी की कुछ अजीज़ मोहब्बतों में से एक मोहब्बत। डिसाइड हुई है, हम तीन लोग जाएंगे, मैं, आकाश एंड आशीष। मैं और आकाश, हमारी सारी फैमिली पहुंच चुकी है हमें छोड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो एक फ्रेंड है, ट्रेन हमारी 351 की और 326 हो चुका है और वो आने में काफ़ी टाइम लगा रहा है। व्लॉगिंग का मतलब तो नहीं पता इन्हें, फिर भी ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि मैंने बोला है। ये है मेरे प्यारे, मेरी दुनिया, मेरे पापा। ठंडा पानी बाबू जी, आप ही पापा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हैं, बिकॉज यूजुअली जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। ये हमारी एक और मोहब्बत। तीन बढ़िया है बच्चों की ट्रेन, मुझे अभी पता चला इस ट्रेन में बड़े भी घुस के बैठते हैं, कितने नालायक बड़े हैं। सबको बाय बोलकर, गले लगकर अब हम निकल पड़े हैं उड़ने। इट्स अ वेरी गुड जर्नी। और हमारी थोड़ी सीट्स की प्रॉब्लम थी, हम तीन लोग हैं थोड़ा, तो एक सीट हमारे दूसरे कोच में आई थी जो B9 था और जो हमारी दो सीट थी वो B5 में था। कहाँ लगे हो यार आप, मेरी बात सुनने। सच्चाई बताऊँ तो ट्रेन का ट्रैवल आपके तीन दोस्तों के साथ और भले कितनी प्रॉब्लम आ जाए, इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल। तो हमें बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा, मज़ा आ रहा है। आप कितना ही थक जाओ ट्रैवल के दौरान, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो रात को आप सोगे ही नहीं और कोई ना कोई स्टेशन पे आप उतरोगे ही उतरोगे। आप देख रहे हो, जो बचपन से दोस्त हैं और ये आज तक मैंने ऐसे गाना गाते नहीं सुना, बहुत खुश है भाई। आई एम सॉरी यार, आप लोगों को थोड़ा मुझे झेलना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करे। ट्रेन से उतरने के बाद हमें सीधा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखने लगी और हम पहुंच गए हिंजावड़ी में। हमें लगा यही मेन पुणे है, इतना प्यारा, इतना हाईटेक। बाद में हमें पता चला पुणे का गांव है हिंजावड़ी। एक्चुअल पुणे कैसा होगा फिर? पुणे इज नाइस। और ये भी मैं यहाँ पे सीखा हूँ, अगर ये पुणे नहीं, पुणे भी मराठी है। तो ये जो मेरे हाथ में आप गुलाब देख रहे हो, ये मुझे किसी ने दिया नहीं था, बस मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बड़े शहरों में जितने ज़्यादा रईस हैं उतने ज़्यादा गरीब भी हैं। तो वो भी गुलाब देकर मांग रहे थे तो मैंने गुलाब खरीद लिया। पुणे, भोपाल काफ़ी छोटा है पुणे के सामने, और अगर मैंने किसी चीज़ को मिस करा है पुणे में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रॉयल इनफील्ड है, अगर वो मेरे हाथ में होती। लेकिन जो मुझे सुकून मिला है पुणे में, उसकी हद नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा कि लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एडुकेटेड है, और हर एक दूसरे शहर से आकर यहाँ पर बसे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं। आई रियली लव्ड एंड हैड द रिस्पेक्ट फॉर देम। पुणे में मैं 5 दिन था एंड आई लव्ड पुणे। वहाँ का फ्रूट सैलेड, वहाँ की सड़कें, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अब हम निकल पड़े थे दोबारा उड़ने मुंबई। अब हम रुकने वाले कहाँ हैं? अगर कभी भी आप पुणे से मुंबई जाओ तो मस्ट गो बाय बस। जो आपको व्यू मिलेगा, जो सुकून मिलेगा, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। मुंबई आते ही हमारे होश उड़ गए और हमें पुणे गांव लगने लगा। मुंबई के तो हवा में टैलेंट था। हम जैसे ही मुंबई में उतरे तो हमें चीज़ें छोटी लगने लगी, शायद जगह की कमी की वजह से। मुंबई उतर के मुंबई के ऑटो वालों से बेवकूफ़ बनकर बिना कोई होटल में रुके हम सीधा पहुंच गए मरीन ड्राइव पर सुकून पाने। यहाँ पर जो हमें सुकून मिला उसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन फिर बाद में होश आया, हम रात को रुकेंगे कहाँ पर? मुंबई के ताज होटल में मुझे सच में ब्रेकफास्ट करना था और उस दिन वो पूरा बुक था, वो संडे का दिन था, तो ये रिग्रेट रह गया मुझे बस। और फिर हम ऑटो वाले भैया से बेवकूफ़ बनकर निकल पड़े मुंबई देखने। मुंबई के लोगों के अंदर मुझे एक अलग ही डिसिप्लिन लगा काम के प्रति, जो मुझे बहुत पसंद आया। फिर अंबानी का घर जो देखा वो एक अलग ही मोटिवेशन था खुद के अंदर, इससे बड़ा बनना है। फिर गिरते पड़ते हम पहुंच गए जूहू पे। जूहू पहुंचते पहुंचते मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जैसा कि हर एक आईफोन वाले के साथ होता है। वहाँ पे मुझे फ़ोन चार्ज लगाने के 30 रुपीज़ पे करने पड़े हाफ एन आवर के। उसके बाद मैंने वहाँ पर जेट स्की करी, लॉकर्स लिया, स्विम करा।
ये हमारा बस आखिरी दिन था और एक लौता दिन था मुंबई में, और दिल बस कर रहा था ये जुहू से मैं जाऊँ ही ना। मुझे मुंबई इतना पसंद आया, और मुंबई आकर मुझे पता चला लोग मुंबई को महबूबा क्यों कहते हैं, ये है ही इतनी सुंदर। खैर यहाँ पर आया था मैं अपने दो दोस्तों के साथ, लेकिन अभी मेरी डेस्टिनेशन बाकी है, यहाँ से मैं जाऊँगा अकेला। अब यहाँ से मेरा एक्चुअल ट्रैवल ही स्टार्ट था, मेरा सोलो ट्रैवल। हकीकत यह है कि मुझे कभी मुंबई या पुणे आना ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ दिल्ली जाना था। और फिर हमेशा की तरह जो मेरे साथ होता है, मुझे फिर एयरपोर्ट पे पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि मेरा आधार कार्ड कहाँ पर था मुझे होश ही नहीं था। जैसे तैसे मैंने उनको मैनेज करके मैं एयरपोर्ट के अंदर आया एंड सुकून की सांस ली। मैंने ना के बराबर सोलो ट्रैवल करे होंगे, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, मेरा फ़ोन नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज़ मुझे किसी के भी नंबर्स ढंग से याद नहीं थे सिवाय मम्मी पापा के, और वो भी तंग होते अगर मेरा फ़ोन घूमता। इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में था, शायद सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देखने के इफेक्ट्स। मुंबई एयरपोर्ट पर नींद की माँ बहन करने के बाद, एक बड़ा कप कॉफ़ी लुढ़काने के बाद, हम हो गए थे ऑन बोर्ड हमारी फ़्लाइट पे, जो कि थी गो फर्स्ट की। और जैसा कि सबको होता है, या फिर शायद मुझे ही होता है, मुझे प्लेन में काफ़ी ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है, लेकिन मैं कैसे भी करके उसे हैंडल कर लेता हूँ और उल्टी नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो गो फर्स्ट की फ़्लाइट थी, ये फ़्लाइट में बैठने के बाद जो हवाई जहाज़ था वो पूरे एयरपोर्ट पे घूमे जा रहा था, एंड मैंने शायद आधा घंटा वहीं पर ही बिताया होगा एयरप्लेन में पूरे एयरपोर्ट पे घूमने के बाद। फिर अब भाई फ्लाइट हो गई थी लोडेड, हम सब हो गए थे सेटल डाउन, और अब टाइम था उड़ने का, मुंबई टू दिल्ली सुबह के 5 बजे। और यकीन मानो यार, लकी हो आप अगर आपको विंडो सीट मिली है और आपके पास आपके फेवरेट सॉन्ग पहले से डाउनलोडेड है। वो जो व्यू मिलता है आपको रात का सिटी का, उसके साथ जो अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनते हो, उसकी फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल होती है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। और अब हम उड़ पड़े। जो मुंबई मुझे ऊपर से दिख रहा था उसकी हद नहीं थी। मुझे सिटी लाइट्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी सिटी लाइट्स पसंद है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हो। जिस तरीके से मैं शहर को देख रहा था ऊपर से, उसकी फीलिंग ही अलग थी, और मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था सुबह के 5 बजे। और हाँ, अगर आप मुझसे अब पूछोगे कि आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है इंडिया में, तो मैं मुंबई ही बोलूँगा। मुंबई में एक अलग चार्म है यार, मुंबई के लोगों में एक अलग चार्म है, मुंबई की हवाओं में टैलेंट है, स्ट्रगल है, मेहनत है, बहुत सुकून है मुंबई में। अगर आप मुंबई में रहते हो, मेहनत कर रहे हो, सेटल डाउन हो, तो बहुत लकी हो आप। बस टैक्सी ड्राइवर से बेवकूफ़ मत बनिएगा, एंड मुंबई के होटल्स काफ़ी महंगे हैं। मेरे दिमाग में अब बस दिल्ली पहुँचना था, और गाना सुनते सुनते ये फ्लाइट भी कट गई सुकून से। जब आंखें खुली मेरी तो 1400 किलोमीटर में 2 घंटे के अंदर नाप चुका था, मैं दिल्ली में था। एयरपोर्ट से सीधे निकल के मैंने भाई को कॉल करा, और भाई ने मुझे थमा दी गाड़ी हाथ में ड्राइव करने के लिए दिल्ली में। मैं फ्रेश भी नहीं हुआ था एंड मैं कार ड्राइव कर रहा था बिना सोए। सो फाइनली अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुँच चुका था। सो दिस इज़ द पर्सन जिनसे मैं मिलने आया था, सूर्य भाई। ही इज़ अ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, एल्डर ब्रदर, जो भी आप कह लो इनके लिए कम है। दिल्ली में घूमने के बाद, होटल्स में रुकने के बाद, फ्रेश होने के बाद, अब हम दोबारा दिल्ली में घूम रहे थे, और भाई मुझे पराठे पे पराठे खिलाए जा रहे थे दिल्ली के, जो कि बहुत टेस्टी थे। पुणे, मुंबई और दिल्ली ट्रैवल करने की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, और मेरा वेट भी ड्रॉप हो गया था। तो जिम करने के बाद मैं निकल पड़ा दिल्ली मेट्रो में, और हम सब जानते हैं दिल्ली मेट्रो किसके लिए फेमस है, लोगों के लिए। तो आई एक्सप्लोर्ड पीपल, आई लव्ड ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो। मुझे दिल्ली में ब्लैक वाटर भी बिकते हुए दिखा, मैंने उसके ऊपर रील बनाए, वीडियोस बनाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, इट वाज गुड। दिल्ली में मैंने रियलाइज़ करा लोगों को फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं, ना कि सीढ़ियों का, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अनफिट हैं, और एक टाइम बाद उनको अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जब वो काम नहीं करते हैं तो बहुत सारे वो पैसे अपने मेडिकल्स और दवाइयों में इन्वेस्ट कर देते हैं। सच्चाई ये है कि आप फिट सिर्फ और सिर्फ सही न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से हो सकते हो, लेकिन लोगों को मेहनत नहीं करनी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अनफिट होते हैं। वीडियो मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। दिल्ली वॉज लव, ट्रैवलिंग विद भाई, लर्निंग फ्रॉम हिम वॉज ऑलवेज लव, फाइबर हर्ट, एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बहुत मज़ा आया। और दिल्ली को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम दोबारा निकल पड़े थे हमारे घर। दिस वॉज द डे टू लीव
और भोपाल, और हमेशा की तरह फिर मैं एयरपोर्ट में फंस गया था आधार कार्ड को लेकर। उसके बाद दोबारा मैंने कैसे तैसे मैनेज करके निकला। आई बॉट अ बुक, गॉट ऑनबोर्डेड ऑन द फ्लाइट। क्रू से सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। ये आपकी सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल डिप्रो बकल में डालें और स्ट्रैप को खींच कर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं तथा सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपना फेस मास्क हटाएं, ऑक्सीजन मास्क को अपने और खींचे नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने और अब मैं दोबारा उड़ पड़ा था अपने शहर भोपाल, जहां पर मेरे मम्मी और पापा मेरा वेट कर रहे थे 15 दिन से जो बाहर था। दिस सिटी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मुझे बहुत मज़ा आया। दिल्ली में भी बहुत चीज़ें सीखने मिली और हम दिल्ली दोबारा वापस आ रहे हैं मई में। मैं यहाँ पर आया था एक्सपोजर लेने, देखने दुनिया कितनी बड़ी है। और दुनिया सच में बहुत बड़ी है यार, जब आप ट्रैवल करते हो ना, आप एक्सपोजर लेते हो तो आपको समझ में आता है दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी चीज़ें करने के लिए है। तब आप लाइफ में ग्रो करते हो, आप खुश रहते हो, ज़्यादा आइडियाज़ निकाल पाते हो, ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो और काम कर पाते हो। और एक मेरी फेवरेट लाइन है जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बारिश होती है तो जो चिड़ियाँ होती हैं वो घोंसले में घुस जाती हैं, लेकिन जो बाज होता है वो बादलों को चीर के उनके ऊपर से उड़ता है। तो हमें बस बाज बनना है ज़िंदगी में। आप जब जब प्लेन पे बैठें तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा एंड बी सो मच मोटिवेटेड कि आपको बस उड़ना है ज़िंदगी में। बस काम करो, नाम करो, मेहनत करो और बस उड़ते जाओ उस बाज की तरह। लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आए आपको बारिश की तरह, तो उनको चीर के बादलों से ऊपर उड़ जाओ और प्रॉपर फ्लाई करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाओ। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, पुणे, मुंबई, दिल्ली। निकला मैं दो दोस्तों के साथ था बट आया अकेला, जैसे कि हम सब की डेस्टिनेशन और जर्नी अकेली ही होती है। अब टाइम था मुझे मेरी फैमिली से मिलने का। आई लव द जर्नी एंड आई होप आपने भी इस व्लॉग को बहुत इन्जॉय करा होगा। प्लीज़ एक लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब प्लीज़।